नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं प्रियंका। वसुंधरा राजे सिंधिया और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच जारी अनबन के बारे में हर कोई जानता है और इसको लेकर अब नया अपडेट सामने आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों ने समझौते की राह पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया से दो दिन पूर्व हुई वसुंधरा की मुलाकात के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने कटारिया के माध्यम से अपनी चिंताओं को केंद्र तक पहुंचा दिया। केंद्र ने भी उनकी चिंताओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भाजपा की एक बड़ी परेशानी अब शायद टल जाए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसके बावजूद वसुंधरा के कुछ करीबियों को टिकट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह है भाजपा अभी भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को राजस्थान के कोटा पहुंचे थे। यहां उनका स्वागत करने के लिए पार्टी के राजस्थान के शीर्ष के सभी नेता उपस्थित थे, लेकिन इस टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा शामिल नहीं था। लेकिन झालावाड़ से सांसद उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने नड्डा का स्वागत किया था। जब से भाजपा ने यात्राओं के जरिए राजस्थान में अपनी हवा बनाने की मुहिम शुरू की है, तब से ये क्रम लगातार बना हुआ है। यहाँ भी वही क्रम देखा गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष ने यहाँ पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। इसके पहले वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य के अलग अलग इलाकों में दौरे कर पार्टी के मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन पार्टी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में जाने का निर्णय लिया। इसके बाद से ही वसुंधरा राजे नाराज बताई जा रही है। उनके करीबियों का यहां तक कहना है कि वसुंधरा ने अपने कुछ खास लोगों को चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश भी दिया है। यदि भाजपा से उनको टिकट नहीं मिलता है तो वे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतर सकते हैं। इस खबर के बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।